tell me fast, how many tenses did we discuss? ये सबको पता है, three tenses discuss किए हमने, 1, 2, 3, right? Three tenses discuss किए, very good. Now write in the chat box quickly, कौन कौन से tenses discuss किए थे हमने, जल्दी से बताओ, लिखो, कौन कौन से tenses discuss किए थे? Past, very good Bhargavi, very nice, लिखो लिखो लिखो, जल्दी से लिखो. Quickly write it down. Yes. Come on, past. Likho jaldi se. Humne kaun kaun se tenses discuss kiye the? That's good. Future. Past, present, past, present, future. We discussed these three tenses. Okay. अच्छा आप मुझे बताओ, अकेला हमने present, past और future discuss किया था, या कि हमने discuss किया था simple past, simple present और simple future? Was it only past tense or was it simple past? Was it only present? Only future or simple present, simple future? क्या discuss किया था हमने? आपको मैम ने कुछ slides भी share करी थी, है ना? उसमें clearly लिखा था, हम जो three tenses discuss करने जा रहे हैं, उनके names हैं बेटा, simple past, simple present and simple future. अब सबने ये याद रखने हैं, ठीक है? Simple past, simple present and simple future. अब हम जल्दी से देखते हैं. I'm going to share my screen so that हम अच्छे से इसको थोड़ा रिवाइज कर सके. पहली चीज, nobody will scribble on the screen. मैम आपसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं और आप मैम के साथ देखो कैसे बिहेव करते हो. देखो 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 देखो, सबके अंदर के पेंटर्स जाग रहे हैं. सी, बेचारों को कब से कलर्स यूज करने का चांस नहीं मिला मेरे ख्याल से, है ना? ओके, लेट मी शेयर इट अगेन. चलो नाउ हैव अ लुक. अब अच्छे से आपने देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेंसेस हमें किस बारे में बताते हैं. अब ध्यान से स्क्रीन पे देखना है अगर जिसको समझना है, जिसको नहीं समझना वो चाहे कुछ भी करता रहे, ठीक है ना? जिसको समझना है उसको देखना पड़ेगा स्क्रीन पे और सुनना पड़ेगा मैम की बात को. ओके, सबको सुनना है, समझना है? शो मी योर थम्स अप क्विकली, जल्दी से. ओके, सो टेंसेस टेल अस अबाउट द टाइम. टेंसेस हमें टाइम के बारे में बताते हैं कि कोई एक्शन कब हुआ, टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है? तो मेनली हमारा वर्ब किस पे होता है, फोकस किस पे होता है? वर्ब्स के ऊपर, राइट? हमें टेंसेस कौन सी चीज से पता चलते हैं? एक्शन वर्ड से पता चलते हैं, ठीक है? और एक्शन वर्ड को हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड को हम कहते हैं हमारे वर्ब्स. वर्ब्स कहा जाता है एक्शन वर्ड्स को, राइट? तो हाउ मेनी काइंड ऑफ टेंसेस डिड वी डिस्कस्ड? वी डिस्कस्ड अबाउट सिंपल present tense, number 2 simple past tense and simple future tense. हमने इन तीन tenses के बारे में बात की थी कल, ठीक है? इतना clear है? We discussed about three tenses. और ये बेटे अकेले present tense, past tense, future tense नहीं है. They are simple present, simple past and simple future. ये तीन tenses है हमारे. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. अब देखो आगे कि इनके रूल्स क्या क्या है. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. और उसके पहले हमें ये जानना पड़ेगा, हमें ये रिवाइज करना पड़ेगा कि हमारे पास कितने टाइप्स के पर्संस होते हैं. बता सकता है कोई, लिख सकता है चैट बॉक्स में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्संस डू वी हैव? कल हमने डिस्कस किया था actions के साथ, the one who speaks, the one who listens, और जिसके बारे में बात की जाती है, right? So we have
the first person, then the second person, and after that we have the third person. ठीक है, हमारे पास ये तीन तरह के persons होते हैं. इतना clear है? First person क्या करता है? जो first person होता है वो बोलता है. ठीक है, first person speaks. Second person क्या करता है? Second person बात को सुनता है. And third person क्या होता है? Third person is the subject जिसके बारे में बात की जाती है, मतलब हमारा topic. हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं. और मैंने ये चीज कल भी रिपीट करी थी कि थर्ड पर्सन का मतलब ये नहीं कि कोई इंसान ही होगा, वो कोई चीज भी हो सकती है. अगर मैं अपने इस बॉक्स के बारे में बात करूं, अपने पेंसिल बॉक्स के बारे में बात करूंगी, तो ये मेरा थर्ड पर्सन है. ओके, अगर मैं अपनी किट के बारे में बात करूंगी तो ये भी मेरा थर्ड पर्सन है. जिसके भी बारे में बात की जाती है दैट इज द थर्ड पर्सन. ठीक है, first person speaks, second person listens, and the third person is one about whom we talk. जिसके बारे में हम बात करते हैं. Clear? Now see, अब इसमें हमारी आ जाएंगी two categories, singular and plural. हमारे पास singular होगा और क्या होगा? Plural होगा. Singular means जब हम सिर्फ किसी एक चीज के बारे में बात करेंगे, एंड प्लूरल मीन्स जब ज्यादा के बारे में बात करेंगे. अब क्विकली बताओ मुझे, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन होता है? टेल मी फास्ट, हु इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर? राइट इन द चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी जल्दी आंसर चाहिए मुझे. ओके, प्रियंका हैज रिटन इट, आई बी, वेरी गुड 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 गुड. बेटा अभी मैं कोई पेज नंबर फॉलो नहीं कर रही हूँ, अभी आप सिर्फ मेरी बात को सुनो सो दैट आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता चले. वेरी गुड, फर्स्ट पर्सन होता है आई, क्योंकि फर्स्ट पर्सन मींस मैं अपनी बात करूंगी. जब जो पर्सन बोलता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, तो सिंगुलर मींस आई. और नाउ टेल मी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन होता है? राइट फास्ट, सबको समझ में आएगा आज, देखना. बस खुश खुश होके समझना है, अपने टेंशन के साथ नहीं समझना है. ठीक है ना? ओके, वेरी गुड. कितना सिंपल है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल जब कोई ज्यादा लोग बात कर रहे होते हैं. ठीक है ना, जो ज्यादा लोग बात करेंगे तो अपने बारे में क्या बोलेंगे? वी आर द बेस्ट. जब कोई टीम मैच जीत के आती है वो क्या बोलती है? वी वन द मैच, वी आर द बेस्ट, हम बेस्ट हैं. तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल इज वी. चलिए, वेरी गुड, आपको आ रहा है समझ में, शाबाश. सेकेंड पर्सन सिंगुलर कौन होता है? राइट फास्ट, जल्दी से बताओ मुझे, हु इज सेकेंड पर्सन सिंगुलर? क्विक क्विक क्विक, सेकेंड पर्सन जो बात को सुनता है. अभी मैं आप सब से बात कर रही हूँ तो मैं बोलती हूँ यू. वेरी गुड, और सेकेंड पर्सन प्लूरल कौन होगा? राइट फास्ट, सेकेंड पर्सन प्लूरल भी यू है. ये दोनों सेम होंगे, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन प्लूरल, बोथ आर सेम. चलो नेक्स्ट आ जाओ, हु इज थर्ड पर्सन सिंगुलर? हु इज थर्ड पर्सन सिंगुलर? थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, माई फेवरेट एक्टर इज अमिताभ बच्चन. तो मैं अमिताभ बच्चन की तरह एक्टिंग तो नहीं कर सकती, किसी को आती है तो करके दिखा देना. ओके, सो थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होगा? वेरी गुड, ही, शी, और इट, या फिर किसी का नेम. वेरी गुड, ठीक है ना, he, she, it or name, किसी का नेम भी हो सकता है. ओके, अगर एक बॉय होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? he, girl होगी तो she, कोई चीज होगी तो it, और अगर तो नेम क्लियरली पता ही है तो हम नेम ही यूज करेंगे. चलो नाउ टेल मी, थर्ड पर्सन प्लूरल किसको कहेंगे? थर्ड पर्सन प्लूरल जब बहुत ज्यादा लोगों की बात हो रही हो, जब मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के बारे में बात करना चाहूं, दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स,
they talk to me daily, they call me daily. So they hai mera third person plural. I think इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा. First, second, third person, जिसको ये समझ में आ जाएंगे उसको मतलब आगे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके चलो इतना क्लियर हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट डेली रूटीन. किसी की डेली रूटीन के बारे में बात करने के लिए जो चीजें डेली बेसिस पे होती हैं उसको एक्सप्लेन करता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके आई रिपीट, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम तब यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू टेल समथिंग व्हिच इज डन ऑन रूटीन बेसिस, या फिर हम कोई ऐसी चीज की बात करते हैं जो कि डेली बेसिस पे किया जाता है. ओके सो टेल मी क्विकली कौन कौन सी चीजें हम डेली बेसिस पे करते हैं. राइट इन द चैट बॉक्स. यू प्ले ऑन डेली बेसिस, आप रोज खेलते हो. और क्या करते हो रोज? कुछ बच्चे रोज नहाते हैं और कुछ बच्चे तो रोज नहाते ही नहीं है. आई नो दैट. तो जो लोग तो रोज नहीं नहाते वो तो नहीं लिख सकते. जरा एक बात दे दी है ना. So you eat daily. Very good. और क्या करते हो daily basis पे? You take a bath daily. You sleep daily. You walk daily. You talk daily. और क्या करते हो? Study daily. ये तो झूठ बोल रहे हो. Study तो आप नहीं करते हो daily. I know. सब बच्चे तो रोज नहीं पढ़ते है ना. Dinesh is smiling. कुछ तो गड़बड़ है दया. आप हंस रहे हो. Okay, so okay, you wish daily, you do cycling daily, karate daily. Oh my god, rose classes lagate ho. Okay, so ye hai wo cheezein jo daily basis pe aap karte ho. To jab aap kisi ko apni routine basis ka work batana chahte ho na, then you have to use simple present tense. Theek hai. अब इसका रूल क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का? अच्छे से देखना इसको. ये पता चल गया कि डेली बेसिस के लिए यूज होता है तो इसका रूल क्या है इसको अच्छे से देखना. रूल कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. हमें पता है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है. अपनी से हिला दो ऐसे करके, मैम को दिख जाएगा. हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है. ओके उसके बाद हमें ये भी पता है कि हर सेंटेंस में वर्ब भी होता ही है ना. किसी किसी में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता है, इज एम आर या वाज वर, हैज एम, और किसी में तो मेन वर्ब होता ही है. बस ध्यान से गर्दन हिलाने की, टूट नहीं जाए धीरे धीरे. ओके इट शुड नॉट ब्रेक. धीरे धीरे हिलाओ, टूटनी नहीं चाहिए. ओके फिर हमें ये भी देखना है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होता है. अब किसी चीज पर तो असर होता ही है ना. ये तीन चीजें तो होती है. अब सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या है? बहुत सिंपल प्रेजेंट का रूल भी बहुत सिंपल है. इसमें क्या होगा, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. ओके अब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं है. मतलब वर्ड जो एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्म में है, सिंग, प्ले, डांस, फर्स्ट फॉर्म यही होती है. ओके सिंपल प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब एज इट इज लगा देते हैं. उसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. जरूरत पड़ती है चेंज करने की जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तो वो भी आपको मैं बताऊंगी. ठीक है, ये हम अभी देखते हैं कि कैसे होता है. नाउ सी, अब मैम ने आपको कहा कि बेटा हमने सब्जेक्ट यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है प्लस एस या ई एस यूज करना है. अब इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि कभी तो मैम कह रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो, कभी तो मैम कह रहे हैं एस ई एस भी यूज करो. अभी चक्कर क्या है? तो कुछ चक्कर नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. अब देखो, लेट्स टेक अ वर्ब. अच्छा बताओ हम कौन से वर्ब की बात करें. हमने कल प्ले के बारे में कर लिया था. टुडे वी विल टेक सम अदर वर्ड. जल्दी से एक वर्ब लिख दो जो सबसे पहले चैट बॉक्स में आएगा. विल टेक दैट वर्ब.
ओके वर्क, राघव सेज वर्क. आज हम राघव की, राघव का ऑर्डर फॉलो करेंगे. राघव सेज वर्क. ओके सो आई के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, दैट इज वर्क. ठीक है, सो आई वर्क. आई वर्क. ओके वर्क, पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि वर्क की फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या है, हमें ये तो पता चले. तो इट इज वर्क, वर्क्ड, वर्क्ड. ये है वर्क की फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, वर्क, वर्क्ड एंड वर्क्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म. हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज करनी है वर्क की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जल्दी से लिखो. सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्क की कौन सी फॉर्म फॉलो करेंगे, राइट इन द चैट बॉक्स फास्ट. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वेरी गुड. सो व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर वर्क, वो तो वर्क ही रहेगा. सो हमने यहाँ पर लिख दिया वर्क, आई वर्क. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी वर्क और फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी वर्क. ठीक है, ये सेम एज इट इज आ जाएगा. अगेन, अब मैंने ये वर्क लिया, यहां से कॉपी किया, इधर पेस्ट किया. सेकेंड पर्सन सिंगुलर इज ऑल्सो वर्क, सेकेंड पर्सन प्लूरल इज ऑल्सो वर्क, और देखो थर्ड पर्सन प्लूरल ये भी वर्क है. अब सब में वर्क 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 आ गया, आ गया. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में हमने सबके साथ वर्क यूज कर दिया, बस एक बचा है कोई स्पेशल बंदा जिसको हमने स्पेशल ट्रीटमेंट देना है. वो कौन है, वो कौन सा ब्लॉक है, वो ये है हमारा ये वाला ब्लॉक. ये जो है ये थोड़े से स्पेशल है भाई साहब, ये स्पेशल है जो है ही शी इट नेम, इनको थोड़ी स्पेशल डोज चाहिए होती है. ये नहीं मानते, ये कहते हैं कि मैं वर्क नहीं यूज कर सकता, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए. तो उनको हम कुछ एक्स्ट्रा दे दें, देते इनको कुछ एक्स्ट्रा. ये कह रहे हैं कि हमें भाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क के साथ नहीं चलेगा, हमारा पेट बहुत बड़ा है, हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए. तो इनको हम एक एस खिला देंगे साथ में. ठीक है, इनको एक एस खिला देते हैं साथ में, तो ये क्या बन जाएंगे, इनको हमने दे दिया works. ओके, he, she, it, name ने बोला my stomach is very big, मुझे वर्क नहीं चलेगा, तो प्लीज गिव मी समथिंग एक्स्ट्रा. हमने इनको एस दे दिया है, लो भी एस खाओ तुम, ठीक है, और तुम खुश रहो, राइट. सो थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट, थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट, नेम, इनके साथ हमने वर्क्स लगा देना है. बिकॉज इनकी टमी बहुत बड़ी है. आपको किस किस को बहुत भूख लगती है, आप में से इसको बहुत भूख लगती है. ओके, प्रियंका को बहुत भूख लगती है, तो मुझे लगता है कि प्रियंका को भी एक्स्ट्रा एस चाहिए होगा. ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, नेम के साथ हम वर्क्स यूज करेंगे. अभी क्लियर हुआ सबको सिंपल प्रेजेंट टेंस में. अब आप सब लोग मेरे साथ बोलोगे, आई वर्क, वी वर्क, you work, he works, she works, it works, name. अब name किसी का हम यहाँ पे रख देते हैं. चलो हम यहाँ पे ना let me see, विराट कोहली रखते हैं. okay, विराट works. ठीक है, he works, she works, it works, विराट works, and they work. तो जहां पर ये भाई साहब विराट कोहली आए हैं ना, तो इनको वर्क्स चाहिए होता है, ये नहीं मानते वर्क से, राइट. दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेट मी रिपीट इट. सिंपल प्रेजेंट, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और एसईएस. वो एसईएस हमने कौन से पर्सन पे यूज किया, नाउ राइट इन द चैट बॉक्स व्हिच इज दैट पर्सन. एक एक्स्ट्रा एस हमने किसको खिलाया था, Tell me fast, किसको खिलाया था एक्स्ट्रा एस, कौन से पर्सन को खिलाया था, थर्ड पर्सन को, थर्ड पर्सन सिंगुलर को खिलाया था हमने एक्स्ट्रा एस. है तो ये सिंगुलर लेकिन डिमांड करता है एस की. ऑलराइट, सो एक्स्ट्रा एस गोज टू
थर्ड पर्सन सिंगुलर जहां पर हमने नेम भी दे दिया, ही शी इट एंड अ नेम, उनके साथ हम वर्ब्स लगाएंगे. इज इट क्लियर नाउ? अब क्लियर हुआ सबको? जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख दो मुझे, जिस जिसको ये समझ में आ गया. सिंपल प्रेजेंट टेंस डेली रूटीन के लिए यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और साथ में एस सी एस लगाएंगे. ठीक है, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सिर्फ एक थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस भी लगा देंगे. जल्दी से. ऑल राइट, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड टेंस. सेकेंड कौन सा है हमारा? सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस ओके, जिसमें हम कहते थे जब आप कोई भी स्टोरी सुनते हो बेटा वो कौन सी टेंस में होती है? पास्ट टेंस में होती है, मतलब जो चीज बीत चुकी है, जो चीज हो चुकी है. राइट जैसे कि आज हमें किसने सॉन्ग सुनाया था? Who sang a song today? Who sang a song? जल्दी से लिख दो. Who sang a song today? Raghav sang a song. Past tense हो गया ना, बीत चुका है ये. राघव गाना गा चुका है. Right? So, in simple past tense, we use, क्या यूज करेंगे हम इसमें? Subject तो होगा ही होगा, प्लस वर्ब भी होगा, प्लस ऑब्जेक्ट भी होगा. बस अब देखना ये है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करेंगे. सो इट्स वेरी सिंपल. सिंपल प्रेजेंट में हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की थी, यहाँ पर हम नेक्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. Right? So that means हमें forms of verbs आनी चाहिए. Only then we'll be able to understand it. चलो जल्दी से वो table मैं नीचे ले आती हूँ so that you can understand. जल्दी से एक verb लिखो chat box में. We'll use that verb. अब हम verb use नहीं करेंगे. We'll use some other word. Write a verb. Okay, climb. Jyotsna says climb. तो हम climb ही use करेंगे. Jyotsna ma'am की बात मानेंगे आज हम. चलो क्लाइम. अब क्लाइम की पहले हम देखेंगे भाई फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या होती हैं. क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड. ठीक है, दीज आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ऑफ क्लाइम. क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड. राइट, तो अब हमें क्या यूज करना है? द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिंपल पास्ट मींस जो टाइम बीत चुका है and we have to use the second form of the verb. So, kaun si hai second form of the verb? Which is the second form of climb? It is number two, that is climbed. Ye hai meri second form of the verb. Ab isko hum use karenge. Ab simple past tense mein na hume tension ki zarurat hi nahi hai. Itna simple tense hai ye. Simple isliye hai kyunki we have to use second form of the verb sare subjects ke liye. Har jagah हमने क्लाइम्ड ही लगा देना है. यहां से उठाया मैंने और यहाँ पे भी क्लाइम्ड, यहाँ पे भी क्लाइम्ड, यहाँ पे भी, हेयर ऑल्सो, हेयर ऑल्सो, हेयर ऑल्सो. सो सिंपल, नो टेंशन, नो कंफ्यूजन. एवरीवेयर क्लाइम्ड ही यूज कर देंगे हम क्योंकि पास्ट टेंस है. ठीक है ना, वी हैव, हमें सिर्फ सेकेंड फॉर्म याद रखनी है. इन सिंपल पास्ट टेंस जस्ट यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वेरी सिंपल. तो आंसर क्या होगा? आई क्लाइम्ड, यू क्लाइम्ड, ही क्लाइम्ड, शी क्लाइम्ड, इट क्लाइम्ड, विराट क्लाइम्ड, वी क्लाइम्ड, यू क्लाइम्ड, दे क्लाइम्ड. इज इट क्लियर? सिंपल पास्ट टेंस इज वेरी वेरी इजी. ठीक है, हो गया सभी को क्लियर ये भी? राइट फास्ट, जल्दी से लिखो यस 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 यस. राइट फास्ट कि मैम क्लियर हो गया है ये. इट इज वेरी इजी. जिसको अभी भी नहीं क्लियर हुआ ना, आप मुझे बेटे कॉल करके भी पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम. राइट, आपको समझ में आना चाहिए. चलो नेक्स्ट वी विल यूज, वी विल लर्न अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस. अब सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या है? चलो जल्दी से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है ना, ये हमारा आ गया स्ट्रक्चर. अब इसमें भी देखो, वर्ब पे हम
P1 यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. लेकिन फ्यूचर है ना, फ्यूचर कुछ प्लानिंग करके चलना पड़ता है, तो इनको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए. विल या शेल, जब भी आप कहना चाहो कि मैं ये काम करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ये काम होगा, देन वी हैव टू यूज विल और शेल. ठीक है, अब बस ये ध्यान रखना है हमने कि बेटा हमने विल और शेल कहाँ कहाँ यूज करना है. और इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना, इट्स वेरी इजी बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डू वन एक्सरसाइज. आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे विच इज अबाउट विल एंड शेल, जो कि विल एंड शेल के बेस पे ही होगी. ठीक है ना, इसको थोड़ा समझ लेना अच्छे से. यू हैव टू सॉल्व एन एक्सरसाइज. ओके, सो फॉर्म ऑफ वर्ब हम कौन सी लें? किसी ने लिखा था, चलो लाइक लेते हैं. विल टेक लाइक एज फॉर्म ऑफ वर्ब. जल्दी से हम लेंगे लाइक को. ओके, अब उससे पहले ये समझ लेना इम्पोर्टेंट है, हमने विल यूज करना है कि शेल यूज करना है. ओके, ये याद रखना. सिंपल फ्यूचर टेंस में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं. अभी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का मैंने कुछ नहीं कराया. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में भी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और सिंपल फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. सेकेंड फॉर्म सिर्फ सिंपल पास्ट में यूज करेंगे. ओके, सो हियर हम जल्दी से लिख देते हैं, एज वी हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हियर, लाइक हियर ऑल्सो लाइक एवरीवेयर लाइक, क्योंकि हमें चाहिए है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो क्या मैं लिख दूं, विच आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स फॉर लाइक, 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 लाइट, यही है वर्ब की फॉर्म्स. हमने फ्यूचर टेंस में वी हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो देखो मैंने सब पे लिख दिया. अब लेकिन क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस मीन्स कल को ये होगा, तो हम विल या शेल यूज करेंगे. तो हम कैसे करेंगे, हम वर्ब से पहले विल या शेल लगाएंगे. और ये ध्यान रखना है जब हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो जिस सेंटेंस में हम खुद की बात कर रहे हैं उसमें हम शेल यूज करेंगे. जिस सेंटेंस में हम खुद की बात कर रहे हैं उसमें हम शेल यूज करेंगे. तो खुद की बात हम कहाँ करते हैं, इन फर्स्ट पर्सन, राइट, विद फर्स्ट पर्सन हम खुद की बात करते हैं, तो हम आई के साथ शेल लगाएंगे, आई शेल लाइक. जब हम वी बोलेंगे, वी मतलब हम सब. ओके, मेरे साथ तीन चार टीचर्स और हैं, तो उसमें भी हम शेल यूज करेंगे. ठीक है, आई और वी के साथ हमें शेल यूज करना है और बाकी सब के साथ हम विल यूज करेंगे. बाकी सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल. सिर्फ ये याद रखना है, आई वी, आई शेल वी शेल, और बाकी सबके साथ हमने यूज करना है बेटे विल. ओके, देखो भी मैम यहीं से कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे. यू विल, ही विल, शी विल, इट विल, विराट विल, दे विल. ओके, देखो I shall like, we shall like. I or we, इनमें हमने shall shall use किया. But what about you, he, you, they? You will, he will, you will, they will. ठीक है? Shall कहाँ कहाँ use किया? सिर्फ और सिर्फ I और we के साथ. मैं इनका color same कर देती हूँ, फिर आपके लिए easy रहेगा इसको देखना. See, shall हमने सिर्फ two times use किया. I shall, we shall. बाकी सब के साथ हमने क्या यूज किया है, विल. ठीक है, सो इन सिंपल फ्यूचर टेंस हमें शेल या विल यूज करना होता है. वो डिपेंड करता है कि कौन सा पर्सन हम लेते हैं, एंड अलोंग विद दैट वी हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब जल्दी से कम टू योर बुक्स, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 79. कम एट पेज नंबर 79 क्विकली, जल्दी से, विद इन अ सेकेंड, फ्यू सेंटेंसेस विल डिस्कस.
कुछ सेंटेंसेस डिस्कस करने वाले हैं हम. जल्दी से आ जाओ ऑन पेज नंबर 17. यस क्विकली. Right, I'm going to open. This is exercise number 2 और ये आपका homework भी है, ठीक है? Exercise number 2 आपका homework भी है ये. Now, see क्या करना है? Fill in the blanks with the future tense of the verbs given in the brackets. यहाँ पर बेटे आप साथ में लिख लो, future के साथ लिख लो, simple future. अकेला future नहीं है, write with pencil, simple future. इस question की जो statement है, fill in the blanks with the simple future tense of the verbs given in the brackets. आपको brackets में कुछ verbs दिए गए हैं, आपको इनको simple future tense में convert करके use करना है. कुछ नहीं करना, बहुत simple है, ठीक है? इनके साथ बस हमने will और shall use करना है, ठीक है? Will या shall use करेंगे साथ में, हमारा answer आ जाएगा. अब जैसे देखो, first sentence ma'am की screen पे, आपके पास भी same ही है book में. The sun dash brightly. Verb कौन सा है? Shine. अब देखो, person identify करना है. We have to identify the person. Person कौन सा है? The sun.